आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। नाजरन, मैं आपको बताते चलूं कि जहां हर साल सरकारें अरबों खरबों पैसा जंगलात को बचाने के लिए खर्च कर रही हैं, वहीं सब डिवीजन छात्रों चिनगाम के पहलगोड़ा के जंगल में कल शाम से ही आग लगी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 से 25 हजार छोटी नर्सरी पेड़ इस आग के जद में आकर जल गए। मकामी लोगों के साथ साथ महकमा जंगलात के मुलाजमीन भी इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि किस तरह इस जंगल में जबरदस्त आग लगी हुई है। तुम क्या से मोहना कर Let's go.
तो नाजरीन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह मकामी लोगों के साथ साथ महकमा जंगलात के मुलाजमीन भी इस आग को बुझाने में लगे हैं। आज सवाल उठाना भी लाजमी हो जाता है कि कैसे इन सरसब्ज जंगलों में आग लगती है। आईरो सब डिवीजन छात्रों के जंगलों से कहीं न कहीं आग देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं गुरीनाल इलाके की बात करूं तो वहां पर भी आग देखने को मिलती है। वहीं एक सम्बोल इलाका है, वहां पर के जंगलों में भी आग देखने को मिलती है। खावड़ा के जंगलों में भी आग देखने को मिलती है। सिंतन के जंगलों में भी आग देखने को मिलती है। वहीं पासरकोट के जंगलों में भी आए रोज आग देखने को मिलती है। क्या अगर जो लोग सरसब्ज जंगलों को आग लगाते, क्या अगर उनके ऊपर महकमा जंगलात कार्रवाई करता, क्या आए रोज ऐसे तस्वीरें देखने को मिलती? और जो ये जंगल जलता है, जो ये सरसब्ज जंगल को जलाने का काम करते हैं, और इस सरसब्ज जंगल जलने की वजह से न सिर्फ सरकार को बल्कि मकामी लोगों को भी इस जंगल जलने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर हम मिसाल ले लें गुच्छी, वो भी 6 से 7 हजार आए रोज मार्केट में बिकती है, वो गुच्छी भी इसी जंगल से हासिल होती है। उसके साथ साथ हमारा पशुपालन भी इसी जंगल में चरता है और जड़ी बूटियां भी इसी जंगल में मिलता है। उसके साथ साथ जलाने वाली लकड़ियां और भी बहुत सारे फायदे जो हैं इस जंगल से हासिल होते हैं। कल शाम 7 बजे लगभग जो खारपोरा का जंगल है इसमें आग नमूदार हुई और रातों रात पूरे जंगल को इसने अपनी लपेट में ले लिया। अब देखना यह होगा कि यह मामला सामने आने के बाद क्या महकमा जंगलात जो लोग इन जंगलों में आग लगाने का काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। तब तक आप जुड़े रहे छात्रों मगल मैदान की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बोल्ड वॉइस के साथ। दीजिए इजाजत, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज खारपोरा छात्रों। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।